The Prime Minister began his trip to India with a visit to a JCB factory just one day after the company was embroiled in controversy after its bulldozers were used to illegally destroy and demolish Muslim homes and businesses in Delhi. During the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. जेसीबी का मुद्दा भारत में नेशनल तो बन ही गया है, लेकिन अब जेसीबी का मुद्दा पूरी दुनिया में छा गया है। दुनिया में हम इसलिए कह रहे हैं छा गया है क्योंकि अब ये मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है। दरअसल ब्रिटेन के सांसद लगातार अब जेसीबी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये तब हो रहा है जब ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा से हाल ही में वापस लौटे हैं। दरअसल जेसीबी पर चढ़े बोरिस जॉनसन की फोटो भारत के साथ साथ ब्रिटेन के सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी है। लोग उन पर इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जॉनसन का यह फोटो तब सामने आया था जब रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद कई आरोपियों के घरों और दुकानों को जेसीबी से सरकार ने तोड़ दिया था। सरकार ने साफ कहा था कि केवल अवैध निर्माण को ही तोड़ा गया है, लेकिन कई लोग इस कार्रवाई को बदले की भावना से देख रहे हैं। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की सांसद नाडिया विस्टोम ने बोरिस जॉनसन की जेसीबी फैक्ट्री की यात्रा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या ब्रिटिश पीएम का यह दौरा भारत में मुस्लिमों के ऊपर हो रहे हमले को जायज ठहराने के लिए था। We know that during the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimize the actions of Modi's far-right government? आपको बता दें कि 25 साल की नाडिया ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सांसद हैं। रोचक बात यह है कि नाडिया के माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनके पिता पंजाबी सिख हैं और माँ एंग्लो इंडियन हैं। वहीं पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश सांसद जरा सुल्ताना ने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम बोरिस जॉनसन से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि पीएम जॉनसन भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसा के मुद्दे पर पीएम को चैलेंज कर पाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने सदन में मौजूद सरकार के मंत्री से ये भी पूछा कि क्या पीएम जॉनसन की जेसीबी फैक्ट्री की यात्रा एक भूल थी। अब जिस यात्रा और जिस फोटो को लेकर ये तमाम विवाद उठ रहा है, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। जेसीबी के जिस नए प्लांट का ब्रिटिश पीएम ने उद्घाटन किया, वो ब्रिटेन की ही कंपनी जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड एक्सक्वेटर लिमिटेड की है। वहां पर ब्रिटिश पीएम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी का उद्घाटन करना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इस दौरे को लोग सांप्रदायिक रंग दे देंगे। और अब जो सांसद नाडिया विस्टोम कह रही हैं, उनके मुताबिक वो इस पूरे मसले को, या कह लें कि इस पूरे दौरे को, एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। उनके बयान से साफ साफ झलकता है कि वो भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं, जिसमें उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें भारत सरकार का वो स्टेटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो कार्रवाई थी वो आरोपियों पर की गई थी, वो किसी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नहीं थी, ये आरोपियों के लिए थी। लेकिन आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह के सवाल उठे हैं। जब ब्रिटिश पीएम भारत में थे, तभी उनसे लगातार कई सांसद और भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर भारत में मुस्लिम विरोधी एजेंडा क्यों चल रहा है, जिसको लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने साफ साफ जवाब दिया था। क्या कहा था आप ही सुनिए, ताकि आप ही समझ जाएं कि आखिर पीएम बोरिस जॉनसन का स्टैंड क्या है और जेसीबी का मुद्दा क्यों जानबूझकर आखिर भारत विरोधी लोग जो है उठा रहे हैं। भारत के साथ हमारे संबंध और मानवाधिकारों या लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे सवालों से कैसे निपटते हैं, बेशक हमारे पास ये बातचीत है, लेकिन हमारी दोस्ती का फायदा ये है कि हम इन बातचीत को दोस्ताना और निजी तरीके से कर सकते हैं। भारत एक दुनिया भर के निरंकुश देशों से बहुत अलग देश है। ये एक महान महान लोकतंत्र है और इसलिए ये एक आश्चर्यजनक और चमकदार तथ्य है। 1.35 बिलियन लोग लोकतंत्र के तहत रहते हैं और ये ऐसी चीज है जिसका हमें जश्न मनाना चाहिए।